हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ नेहा। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो आज मैंने अचीव किया है ये वाला लुक। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। सो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने अपने आईब्रोज़ को फिल कर लिया था ऑफ कैमरा, और अपने फेस को भी मॉइस्चराइज कर लिया था, एज वेल एज मैंने अपने लिप्स को भी मॉइस्चराइज कर लिया था लिप बाम से। सो मैं अप्लाई कर रही हूँ मेबेलिन का कंसीलर, और उसके बाद इसको कलर बार के ब्यूटी स्पॉन्ज के साथ इसको ब्लेंड कर रही हूँ बिल्कुल हल्के हाथों से। आपने भी बिल्कुल ऐसे ही करना है कंसीलर अप्लाई करते हुए। उसके बाद मैं ले रही हूँ मेबेलिन का कॉम्पैक्ट पाउडर और अपने कंसीलर को कर रही हूँ सेट, ताकि मेरा कंसीलर जो है फाइन लाइंस में सेट ना हो जाए। और इससे जो क्या होता है कि आपका आई शेडो भी बड़े अच्छे से बड़ी खूबसूरती ब्लेंड हो जाता है अगर आप पाउडर से कंसीलर को सेट करते हैं तो। उसके बाद मैं ले रही हूँ एक ब्राउन शेड और इसको पेंसिल ब्रश की हेल्प से अपनी क्रीज में अप्लाई कर रही हूँ। उसके बाद मैं लूँगी एक फ्लफ़ी ब्रश और उसको इस आई शेडो को ब्लेंड करूँगी उससे अच्छे से, ताकि बिल्कुल भी हार्श ना लगे। उसके बाद मैं अगेन सेम पेंसिल ब्रश लूँगी और थोड़ा सा डार्क शेड उसे जो है अप्लाई करूँगी अपनी क्रीज लाइन में, थोड़ा सा और क्रीज को डिफाइन करने के लिए। नेक्स्ट मैं ले रही हूँ एक एंगल ब्रश और उससे मैं अपने आउटर वी को डिफाइन करूँगी। एक मैंने थोड़ा सा लाइन ड्रॉ किया है अपनी आईज़ के वी को डिफाइन करने के लिए। नेक्स्ट मैं ले रही हूँ थोड़ा सा फ्लफी ब्रश और उससे जो है अपने आउटर वी को थोड़ी सी डेप्थ दे रही हूँ डार्क ब्राउन शेड से, और उसको धीरे धीरे करते हुए मैं आगे की ओर लेके जा रही हूँ अच्छे से ब्लेंड करते हुए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। मैं बहुत मुश्किल से समय निकाल कर वीडियोस बनाती हूँ, बिकॉज़ आई हैव अ लिटिल डॉटर, तो बहुत मुश्किल हो जाता है मैनेज करना सब कुछ। तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा मेरे चैनल को। नेक्स्ट मैं ले रही हूँ एक फ्लैट शेड ब्रश और उससे जो है कंसीलर से अपनी आईलिड को कर रही हूँ कट, उसमें ग्लिटर अप्लाई करने के लिए। ग्लिटर जो है मैंने लिए हैं डेली फॉरएवर 52 कंपनी के, ये प्रेस्ड ग्लिटर हैं, बड़े ही खूबसूरत ग्लिटर हैं, और इसका शेड है रस्ट। और इसको मैं एक एंगुलर ब्रश की हेल्प से अप्लाई कर रही हूँ। आप चाहे तो फिंगर की हेल्प से भी अप्लाई कर सकते हैं, फिंगर से और भी ज़्यादा प्रोमिनेंट नज़र आते हैं, बट मैं ब्रश से इसलिए अप्लाई कर रही हूँ ताकि थोड़ी सी क्लीन कवरेज मिल सके। फिंगर से क्या होता है कि सम टाइम आप लगाते हैं तो इधर उधर थोड़ा सा लग ही जाता है, फैल जाता है, मैं वो नहीं चाहती थी, तो इसलिए मैंने ब्रश के साथ अप्लाई किया है। सो नेक्स्ट मैं ले रही हूँ अगेन एक एंगुलर ब्रश और थोड़ा सा ब्लैक शेड लेके मैं अपनी वी को थोड़ा सा और डेप्थ दे रही हूँ, थोड़ा सा और डिफाइन कर रही हूँ। आप ये लुक किसी भी ओकेज़न के लिए अचीव कर सकते हैं, मतलब शादी, फंक्शन, कुछ भी हो, आप उस पर ये लुक क्रिएट कर सकते हैं। बड़ा ही खूबसूरत नज़र आता है ग्लिटर लुक। नेक्स्ट मैं ले रही हूँ इनसाइड का फेस प्राइमर और अपने फेस को कर रही हूँ प्राइम। प्राइमर जो है आपके पोर्स को मिनिमाइज़ करता है, आपके स्किन के टेक्सचर को थोड़ा सा स्मूथ कर देता है, जिससे फाउंडेशन जो है बड़ी खूबसूरती से अप्लाई हो जाता है। तो फाउंडेशन के लिए मैंने लिया है मेबेलिन फिट मी का 24 आवर सुपर स्टे फाउंडेशन। ये बड़ा ही अच्छा फाउंडेशन है, फुल मीडियम टू फुल कवरेज प्रोवाइड करता है आपको, और इसको एक मैं फ्लफ़ी ब्रश की हेल्प से अप्लाई कर रही हूँ। फ्लफी ब्रश की हेल्प से भी फाउंडेशन की कवरेज जो है बड़ी अच्छी आती है और बड़ा ही प्यारा सा लगता है, अच्छे से मर्ज हो जाता है आपकी स्किन में। ये मैंने आज ही नोटिस किया है, बिकॉज़ मैं ऑलवेज जो है कबूकी ब्रश का यूज़ करती थी, तो आज मैंने ये फ्लफी ब्रश यूज़ किया है तो मुझे अच्छा लगा इससे फाउंडेशन अप्लाई करके भी।
अभी से ट्राई कर सकते हैं अगर आपके पास कबूक की ब्रश नहीं है तो। सो इस तरह से मैंने पूरे फाउंडेशन को कर लिया है ब्लेंड अच्छे से। इसके बाद मैं अप्लाई करूँगी कंसीलर। कंसीलर के लिए मैं ले रही हूँ मेबेलिन फिट मी का ही कंसीलर। मैं ऑलवेज़ यही कंसीलर यूज़ करती हूँ, इसलिए ये कंसीलर जो मेरा हो गया है फिनिश। बस थोड़ा सा ही बचा है, चेप चेप के मैंने लगा लिया है। और उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ ब्यूटी ब्लेंडर कलर बार का, और इससे मैं इसको कर रही हूँ ब्लेंड अच्छे से। आपने कंसीलर को सिर्फ उसी एरिया में अप्लाई करना है जहाँ पे आपने इसको लगाया है, पूरे फेस पे अप्लाई ना करें, नहीं तो जो हमारा हाइलाइटिंग का पर्पज़ है वो सारा ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद आप अपने कंसीलर को सेट भी करना है। सेट कर रही हूँ मैं मेबेलिन कॉम्पैक्ट पाउडर से ही अच्छे से, ताकि मेरा कंसीलर क्रीज़ ना हो जाए। कंसीलर जो है बहुत जल्दी क्रीज़ हो जाता है आपके फेस के ऊपर, फाइन लाइंस में सेट हो जाता है, तो उसको थोड़ा सा अवॉइड करने के लिए हम पाउडर का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट मैं ले रही हूँ शुगर का ब्रोंजर और उसको एक छोटू से ब्रश के साथ अप्लाई कर रही हूँ। ब्रोंजर जो है आपके फेस को एक स्ट्रक्चर, एक थोड़ा सा वॉर्मनेस देता है आपके फेस को। जैसे फाउंडेशन के बाद आपका फेस एकदम चिट्टा सा हो जाता है या फिर आपके फीचर्स जो है थोड़े से दब जाते हैं, तो उसको थोड़ा सा अवॉइड करने के लिए हम थोड़ा सा अपने फीचर्स को एनहांस करने के लिए हम ब्रोंजर और कंटोरिंग का यूज़ करते हैं बेसिकली। ब्लश के लिए मैंने लिया है माई ग्लैम का बड़ा ही खूबसूरत सा ब्लश, इसका शेड है पीच। उसके बाद मैं ले रही हूँ मेकअप रेवोल्यूशन का हाइलाइटर पैलेट और अपने फेस को करूँगी हाईलाइट। बड़ा ही जल्दी जल्दी मेकअप किया है मैंने क्योंकि मेरी डॉटर जो है शी वाज क्राइंग अलॉट, तो बहुत जल्दी से मैंने मेकअप किया और उसको संभाला। बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है बच्चे के साथ ये सब करना। नेक्स्ट मैं ले रही हूँ एक पेंसिल ब्रश और उसको जो है अपनी बॉटम लैश लाइन में अप्लाई कर रही हूँ। नेक्स्ट मैं ले रही हूँ सेम एंगुलर ब्रश और अपने इनर कॉर्नर्स को हाइलाइट कर रही हूँ आईज़ के सेम ग्लिटर से। उसके बाद मैंने लिया है एक पेन लाइनर और उसे मैं अपनी आईज़ के ऊपर आईलाइनर अप्लाई कर रही हूँ। नेक्स्ट मैं ले रही हूँ शुगर की लिपस्टिक और उससे कर रही हूँ अपने लिप्स के ऊपर अप्लाई। बड़ा ही खूबसूरत सा लाइट पिंक शेड है, बहुत ही खूबसूरत लग रहा था लगाया हुआ। उसके बाद मैं ले रही हूँ डेब्रो का मस्कारा और उसको अपनी लैशेस के ऊपर अप्लाई करूँगी। मैं फॉल्सेस का यूज़ नहीं कर रही हूँ, आप चाहे तो कर सकते हैं अगर आप किसी वेडिंग फंक्शन में जा रहे हैं तो। उसके बाद मैं ले रही हूँ लैक्मे का आइकॉनिक काजल और इसको अपनी वाटर लाइन में अप्लाई कर रही हूँ। सो दिस इज़ माय फाइनल लुक। मैंने इसको कैरी किया है एक सिंपल सी साड़ी के साथ। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय गाइज़।